सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र की भवदेवा गांव में 55 साल के महंत की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 55 साल के महंत कपलेश्वर दास की सोए अवस्था में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के गले और सिर पर कई जख्म पाए गए। कहाँ ये घटना है? ये किस टाइम की घटना है? ये अब किस टाइम का है तो हम थोड़े थे उस टाइम का, यही लोग बोलेगा ना। रात में हुआ है? रात में। किस चीज को लेकर विवाद हुआ है? कोई विवाद हम कुछ नहीं जानते हैं, इसी वजह से थाना से भी आपको भेजा गया है। किस चीज का विवाद है, ये कैसे हम कर सकते? कहाँ है अभी आप? बता दें कि मृतक कपलेश्वर दास गांव के ही ठाकुरबाड़ी मंदिर में तकरीबन 15 साल से महंत का काम करते थे और उसी मंदिर में उनका रहना सहना भी होता था। बीती रात खाना खाने के बाद कपलेश्वर दास मंदिर में सो गए। इसी दौरान देर रात अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। चारों तरफ पानी जा आस्करी ठाकुरबाड़ी गांव से कहीं अलग में से तो वही लगा रात के अकेले रहे थे। वो जगह रात में खाना पीना खा कर सुतल थे, वो तो मच्छरदानी यार लागले थे, जहना सुतल तहना सुतने से भोर का एगो जो राम छे झाड़ू लगवे ले बर्तन बासन साफ करे ले, तो साफ करे गए तो बुझल कखन के बाबा सुतले छे 6 बजे गए सुबह में कहलकै बाबा वो सुतले छे उठा न उठा ना देखल कहना कल तब देखे तब वो तब चिक रल के तब ठीक है तब इन लोग कटल के निशान देखे हैं कटा हुआ का निशान है। हाँ कटा हुआ दबिया से है आ छुरा से है। कोई पता चला हो तो पुलिस वहाँ पहुँची थी? हाँ पुलिस पहुँचे हैं। क्या आश्वासन क्या दिए? 4 आदमी को लेकर आए हैं वहाँ उठा के। नाम दर्ज हो गया है। बहरहाल मृतक के परिजनों के बयान पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। वहीं 2 को हिरासत में लिया गया और 2 लोगों की तलाश में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।